जय माता जी। दोस्तों आप देख रहे हैं धर्म स्वास्थ्य। दोस्तों अपने मनवांछित फल के लिए कमिका एकादशी को हिंदू धर्म के सबसे अच्छे व्रतों में माना गया है। दोस्तों अगर आपकी इच्छा लंबे समय से अधूरी है तो कमिका एकादशी व्रत रखकर कामना पूर्ति की प्रार्थना से भगवान विष्णु आपकी कामना अवश्य पूरा करेंगे। दोस्तों आज के इस विशेषांक में हम कमिका एकादशी की पूजा विधि के बारे में बातें करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यह व्रत रखने से सभी प्रकार के पाप खत्म हो जाते हैं। इस एकादशी पर जो भक्त श्रद्धा भक्ति से भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करता है वह समस्त पापों से दूर हो जाता है। दोस्तों कमिका एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु के गदाधारी स्वरूप की पूजा का विधान है। इस बार कमिका एकादशी का व्रत कब है? तो दोस्तों इस बार कमिका एकादशी का व्रत 4 अगस्त को रखा जाएगा। कमिका एकादशी व्रत की पूजा विधि कैसे करें? तो दोस्तों कमिका एकादशी व्रत 3 अगस्त की शाम से ही शुरू हो जाएगा। ऐसे में जरूरी है मित्रों कि आप सूर्यास्त से पहले साधारण भोजन कर ले। अगली सुबह स्नान कर पूजा शुरू करने से पहले हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प कर ले। पहले विष्णु को फल फूल तिल दूध पंचामृत अर्पित करे। इसके बाद व्रत कथा पढ़कर नैवेद्य चढ़ाए। दोस्तों निर्जल व्रत रहना सबसे अच्छा रहेगा, लेकिन जिन लोगों को निर्जला नहीं रहा जाता है वे फलाहार ले सकते हैं। रात को भगवान का ध्यान और भजन कीर्तन करते हुए एकादशी की रात जागरण करें और अगले दिन ब्राह्मण को भोजन कराए दोस्तों और दान करें। इसके बाद ही खुद भोजन करें। दशमी की रात से द्वादशी दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें और किसी की चुगली या निंदा न करते हुए भगवान की भक्ति में तल्लीन रहे। तो दोस्तों उम्मीद है आज की ये आपको कमिका एकादशी व्रत की पूजा विधि पसंद आई। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।